चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इसमें दिया है एना क्यूबिक हॉल ए बी सी डी पी क्यू आर एस, विद ईच साइड 10 मीटर की है, ठीक है। जी इज द सेंटर ऑफ द वॉल है बी सी आर क्यू, एंड टी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी की है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जी एट द पॉइंट टी पे बताना कितना हो जाएगा। अब देखो अपना ये डायग्राम बनेगा बच्चों, ठीक है। इसको अपन डायग्राम को बना लो, एक ये अपना इससे मिल जाएगा, ठीक है। ये 3D बनेगा अपना, ठीक है। 3D में बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। और ये की नीचे की तरफ यहाँ तक आएगा, और ये भी इससे मिल जाएगा, और ये वाला अपना इससे मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा S, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा P Q, ठीक है। ये पी क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा अपना डी। यहाँ से एक टी है ये हमारा, और यहाँ से एक बनेगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, और इससे यहाँ मिल जाएगा, और जो पॉइंट यहाँ बनेगा ये हमारा थीटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थीटा। ये मेरा हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा एच, ठीक है। इतना ही था इसमें, ठीक है। और तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एंगल टी बी एच बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो टी एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा? टी एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी टी का स्क्वायर, बी टी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, बी एच का स्क्वायर। इसका मतलब है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल टी एच जी, टी एच जी बराबर कितना है? ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा? टी जी का स्क्वायर माइनस टी एच का स्क्वायर प्लस जी एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 50 प्लस 25, मतलब ये हो जाएगा हमारा कितना? 75। थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है जी और टी के बीच, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? साइन थीटा हो जाएगा जी एच अपॉन टी जी, टी जी। ये मेरा हो जाएगा 5 अपॉन 5 रूट 5, रूट 5 मतलब ये हो जाएगा 1/√3। ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 1/√3 मतलब साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है। इसमें दिया है ये, ए में दिया है साइन इनवर्स 1/√3, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। थैंक यू।